हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज जो कंटिन्यू है उसी को और आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं फिर आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे चेंज ऑफ नरेशन के अंतर्गत। आज हम कुछ ऐसे बेसिक रूल्स के बारे में और देखेंगे हम विद एग्जांपल कि कौन कौन से हमारे जो चेंज ऑफ नरेशन में कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ऐसे ही कुछ कॉमन रूल्स बताने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक रूल्स है, बहुत ही कॉमन है, जिनको अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी अगर ध्यान में रखा तो आप आसानी से चुटकियों में हल कर पाएंगे नरेशन को। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे रूल्स है। बेसिक रूल्स की तो जैसे पहले हमने देखा उसी के को आगे बढ़ाते हुए आज में कुछ और ऐसे रूल्स हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें तो ये देख सकते हैं कि इन assertive sentences that is used as conjunction, ये हमें पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर affirmative sentences है आपके पास, assertive sentence है, तो वहां कॉमा इनवर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दोनों पार्ट्स यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें दैट को एज ए कंजक्शन यूज करना होता है। तो ये एक बेसिक रूल जो हम पहले भी डिस्कस इस पर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास सामने है, इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ अक्सर छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। अभी तक हमने जितने भी लगभग रूल्स देखे हैं उसमें लगभग हमने देखा है कि सारे के सारे जो चेंजेज है, चाहे टेंस के चेंजेज हैं या किसी प्रकार के चेंजेज वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे लगभग इसमें हो रहे थे, वो सारे रिपोर्टेड स्पीच में हो रहे थे। आज मैं इसमें बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, तो उसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर आप देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज है लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मींस टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने चेंज करते समय कोई चेंज नहीं करना। अगर से है तो सेज है तो सेज का एज इट इज रह जाएगा, उसमें आपने कुछ नहीं बदलना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो। इसी प्रकार जैसे सेज या टेंस है, सॉरी यहां पर भी हमारे पास से और सेज कह सकते हैं, यहां सेज और से अगर है तो आपने क्या करना है यहां पर, तो यहां पर भी आपने कह, यहां अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो या आप ये कह सकते हैं से टू या सेज टू, क्योंकि टू हमेशा तभी यूज करोगे जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो आप टू से भी इसकी पहचान देख सकते हो अगर टू दे रखा हो या फिर ऑब्जेक्ट दे रखा हो। तो फिर आपने किसमें चेंज करना है, जो से है वो टेल में बदल जाएगा, सेज है वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगर आपके पास सेट है मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में है जो ज्यादातर होती हैं, तो अगर ये सेट है और इसमें भी अगर क्या है ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेट का सेट नो चेंज मीन्स सेट एज इट इज सेट ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अगर सेट टू दिया गया हो, वही बात है, अगर टू दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट दिया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर सेट टू दे रखा है तो आपने इसमें तो चेंज कर देगा उसको टोल्ड में, आप उसे चेंज कर देंगे। ये सारे चेंजेस जो मैं बता रहा हूं ये सारे चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब में करने जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। इसके अलावा अगर सेट टू है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सेट टू है लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो सेट टू को आपने आस्ट में बदलना है, चेंज करना है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस थे, ये कुछ हमारे पास ऐसे चेंजेस थे बेसिक्स जो सेंटेंस के अंदर, और खास तौर से ये चेंजेस किसमें होते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सिर्फ यही ऐसे चेंजेस हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं, इसके अलावा जितने भी सारे चेंजेस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, चाहे वो प्रोनाउन के चेंज इन प्रोनाउंस हो, चेंज इन टेंसेज हो, तो कोई भी चेंजेज है वो, तो ये इसको आपने ध्यान में रखना है, ये चेंजेज ऐसे हैं जो इसमें परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हम देख सकते हैं, अभी तक हमने रूल तीन के एग्जाम्पल देखे आप। पहला सेंटेंस अगर देखो, दे से यू आर माई फ्रेंड, अगर हम यह बात करें यहां पर हमारे पास से है और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जैसे इसमें बताया गया था कि विदाउट ऑब्जेक्ट है तो नो चेंज, तो यहां हमने क्या लिखा, दे से, तो दे से का हमने एज इट इज दे से रख दिया, कोई चेंज नहीं किया इसमें।
और कंजक्शन का जैसे हमने पहले बताया था कि इनको खत्म करने के लिए कॉमा और सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो यहां हमने क्या कर दिया, दैट कंजक्शन लगा दिया। अब यहां पर देखिए यू था, अब कहो यू का यू यहां पर क्यों रह गया, क्योंकि यू हमने अगर थोड़ा सा पिछली वीडियो का थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यू का यू क्यों आया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और सार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कोई है नहीं, तो आप एज इट इज रख सकते हैं दैट यू आर। अब यहां पर भी टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच का, तो ये आपका सेंटेंस एज इट इज बन जाएगा। अब बात आती है, अब यहां देखिए एक चीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां एक मैंने जान लिया छोटा है, आप इसको देखिए, अगर आप यहां देखोगे तो यहां क्या था, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव था, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर थर्ड पर्सन है दे, तो दे का पोजेसिव क्या हो जाएगा फिर, यहां माई की जगह क्या बन जाएगा, देयर। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखना है, इस प्रकार की चीजें कि ये मिस्टेक्स आपकी ना हो पाए। सेकंड सेंटेंस है ही सेज टू द टीचर, यहां सेज टू है इसका ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, आई शैल गो टू टेक द एग्जाम, तो इसका बन जाएगा ही टेंस। देखिए सेज टू का मैंने यहां बताया था कि सेज टू अगर ऑब्जेक्ट है तो टेंस में यहां दैट टीचर वही दैट आ जाएगा, अब यहां पर आई बदल गया ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन है ही, अब ही विल, अब यहां पर अगर हम बात करें ये विल जो है शैल जो है वो क्योंकि आई के साथ शैल होता है, तो सेंटेंस हमारे पास अब ही है तो ही की जगह साथ आप विल लगाएंगे। अब वुड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां सेंट आपका वही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका चेंज टेंस नहीं हुआ, और बाकी एज इट इज सेंटेंस आपका हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा चेंज नहीं होने हैं। और एग्जाम्पल अगर आप देखिए, देखिए रमेश सेट टू हिज पेरेंट्स, अब देखिए सेट टू आ गए इसमें, सेट टू इस पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, आमतौर पर यह भी ध्यान है कि जब टू आता है ना, टू तभी आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टू नहीं लगाएंगे, तो ये आप सब ऑब्जेक्ट की पहचान के बजाय सीधा टू की पहचान से भी आप देख सकते हैं, अगर टू लगा रखा है तो आपने ये आपने रूल जो है फॉलो करना है इसमें, सिंपली है। इस पेरेंट्स यू हैव डन अलॉट फॉर मी, अब यहां पर आ जाएगा सेट टू किसमें बदल जाएगा, यहां देखिए सेट टू बदल गया आपका टोल्ड में, जैसा मैंने बताया था टोल्ड में कि रमेश टोल्ड हिज पेरेंट्स, वही दैट कंजक्शन लग गया दैट, अब यहां पर यू था सेकंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हिज पेरेंट्स मीन द थर्ड पर्सन प्लूरल केस, तो प्लूरल का क्या होता है हमारे पास दे, यहां पर आपका दे हो गया। अब यहां पर हैव था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो हैव चेंज इनटू हैड, और वही हैड डन अलॉट फॉर हिम, अब यहां पर मी फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट में ही थर्ड पर्सन है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या जाएगा पर हिम, तो इस प्रकार से आपने ये चेंज करने हैं। एक एग्जांपल लास्ट और देख सकते हैं इसका, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय व्हाई यू डोंट रिस्पेक्ट योर टीचर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि मैंने ये बताया कि सेड टू इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में चेंज होता है, तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए द ओल्ड मैन आस्क्ड, सेड टू किस में चेंज हो गया आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय, वाई कंजक्शन, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी नेक्स्ट, तो यहां एक बार सिर्फ आप ये देख लीजिए, यहां कंजक्शन दैट नहीं बल्कि वाई का हमने यूज किया है, वाई, अब यहां पर यू, तो यू जो है सेकंड पर्सन के अनुसार, द बॉय थर्ड पर्सन है, तो इसकी जगह यहां पर क्या हो जाएगा ही, अब ये डोंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, डिडंट रिस्पेक्ट हिज टीचर, योर हिज में चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो हम ध्यान में रखने हैं। तो चलिए आगे कुछ और हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कैसे कन्वर्ट करना है चेंज ऑफ नरेशन के अंतर्गत। सबसे पहले तो बात यह कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, दोनों के मैं पहले लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, अभी जैसे एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, ही सेड टू हिज फादर, वेयर हैव यू गॉन, एक तो ये है, एक ये है जो कि हमारा क्या है ये WH, जो कि व्हाट वेयर व्हेन व्हाई यानी WH से सेंटेंस शुरू होते हैं,
दूसरे हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, अगर हम यहां ले लीजिए, दे सेट टू हिज फ्रेंड डू यू नो देम। अब देखिए यहां पर अगर स्टूडेंट आप देखोगे, यहां दो प्रकार के सेंटेंस है, एक है जो डब्ल्यू एच से शुरू है, दूसरा हमारे पास है जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, जस्ट लाइक इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैज हैव विल शैल शुड, ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके साथ सेंटेंस शुरू होते हैं। इनमें दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं अर्ली वो भी आप इसको ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले तो ये कि इसमें दैट का यूज आपने नहीं करना, इसमें जो कंजक्शन यूज होगा दोनों सेंटेंस दोनों टाइप में अलग कंजक्शन यूज होना था। पहले मैं इसका बता देता हूं आपको डब्ल्यू एच वाले में, तो डब्ल्यू एच वाले में देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही सेट टू का भी मैंने बताया चेंज हो जाएगा आस्ट में, ही आस्ट हिज फादर। अब यहां देखिए कंजक्शन दैट नहीं आना, अब इसमें एक ध्यान रखना आपने कि जो सेंटेंस डब्ल्यू एच वाले वाक्य शुरू है, जैसे व्हाट व्हेन वेयर व्हाई व्हेन हुम हुज, इसको अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें जो भी वर्ड दिया गया है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है, इसी वर्ड को एज ए कंजक्शन आपने यूज करना है, ध्यान रखना ये। जैसे यहां वेयर दिया गया है तो आपने यहां वेयर का ही यूज करना है। अब ये वेयर वर्ड यहां तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन यहां जो वेयर वर्ड है ये एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है यहां, तो आपने इसको कंजक्शन के तौर पर यूज कर देना है, जो भी वर्ड आपको यहां मिलता है, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई जो भी है। तो इसके बाद आपने सबसे इंपोर्टेंट चीज, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए ये सेंटेंस हमारे पास है इंट्रोगेटिव, लेकिन मैंने पहले दिन आपको बताया था, पहली वीडियो में बताया था मैंने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप चेंज करते हैं नरेशन में से इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेंटेंस एसर्टिव बन जाता है। और एसर्टिव का मतलब क्या होता है कि एसर्टिव की स्ट्रक्चर जो होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। तो उसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि जब आपने ये कंजक्शन लगा दिया इसके तुरंत बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। जैसे यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पहले आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आपने एक सब्जेक्ट से सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिज फादर, हिज फादर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहां पर यू की जगह क्या हो जाएगा, वेयर ही। ये तो आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत हो गया। अब ये हैव है, तो हैव जो है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब आती है, तो हैव जो है, हैव कौन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पीछे फुल स्टॉप आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन गया, इसलिए यहां पर पीछे फुल स्टॉप आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो देख लीजिए, इसके अंदर जो मैंने ऑब्जर्वेशन से शुरू किया, इसके लिए भी क्या हो सकता है, दे आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब यहां पर क्या आएगा, अब देखिए जहां डब्ल्यू एच वाला था वो तो हमने कंजक्शन के तौर पे लगा दिया, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है एक और, कि अगर आपका सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड शैल विल डू डज, तो इनसे शुरू अगर हो रहा है तो आपने कंजक्शन का प्रयोग क्या करना है, इफ या फिर वेदर का प्रयोग करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है, इसमें ध्यान रखना। तो यहां पर आपने कंजक्शन क्या लगा दोगे, इफ या वेदर, जो भी आप लगा सकते दोनों में से। अब वही बात है, कंजक्शन के बाद वही पहले वाला रूल है कि सेंटेंस को आपने फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है आपने इसको। अफर्मेटिव में वही है कि जैसे यहां पर तो ये था सब्जेक्ट, हमने इसको उठा के लेकर आना है। अब यू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सॉरी इसमें ये, तो सेकंड पर्सन हिज फ्रेंड के अनुसार, ये भी हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, इसमें ही आ जाएगा, ही। और अब ये कौन सा टेंस था, देखिए ये टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज किसी में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यहां एक कॉमन गलती बच्चे कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, यहां डू देखा है उन्होंने, कहा डू है, तो यहां डिड कर देते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि डिड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव में। अब ये सेंटेंस ना तो इंट्रोगेटिव, हमने क्या बनाना है सेंटेंस को, अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अगर ध्यान करें तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वहां आपने डिड का यूज नहीं करना। तो यहां सीधा जो है
नो के सेकंड फॉर्म यहां पर आ जाएगा इफ ही न्यू। अब देम जो है तो देम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो है वैसे भी आपको पता है कि थर्ड पर्सन चेंज होता है कि नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो यहां देम का देम हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए इस प्रकार से। तो ये दोनों प्रकार के चीजें हैं इसमें, देखिए कॉमन चीज क्या आई सामने, पहली चीज तो ये आई है कि आपने कंजक्शन के रूप में या तो आपने डब्ल्यू एच वर्ड जो सेंटेंस शुरू है डब्ल्यू एच वर्ड को कंजक्शन बनाना है, या फिर आपने ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू होते जो होते हैं उनके लिए आपने इफ या वेदर कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है वो क्या, वो ये कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी अफर्मेटिव बन जाएगी, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगी। कहने का मतलब दोनों में फुल स्टॉप आ जाएगा पीछे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन, और इस लेसन में मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस बाकी हमारे रहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, और कुछ ऐसे मिक्स वाले सेंटेंस भी होते हैं जिनमें डिफरेंट रूल्स जो है लागू होते हैं। तो आप इसी प्रकार से लगातार बने रहिए और मिलते हैं इसके वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे कुछ और रूल्स के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। Thank you.